नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। एक तरफ तो पैसे को लेकर राज्य सरकार और डीवीसी के बीच खींचतान मची रहती है, वहीं दूसरी ओर चाईबासा के सरकारी विभागों के कार्यालयों पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपए का बकाया है। इसके कारण झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकारी विभागों से बिजली के बकाया बिल के भुगतान के लिए बिजली विभाग की ओर से सभी संबंधित कार्यालयों से पत्राचार करने की तैयारी है, ताकि समय से बकाया बिजली के बिल को वसूला जा सके। करीब 54 सरकारी कार्यालयों पर बिजली विभाग का 1,48,00,000 रुपए का बकाया है। जिन कार्यालयों पर 1,00,000 से ज्यादा का बकाया बिजली बिल है, वैसे कार्यालयों की संख्या 54 है। मंडल कारा चाईबासा का 9.72 लाख का बिजली बिल बाकी है। वहीं सदर अस्पताल परिसदन सहित अन्य कई विभाग हैं जिन पर 4 से 5 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। हम लोग हर सरकारी कार्यालय में जाकर के पर्सनली वहां बात कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं। वहां से भी जो है प्रयास किया जा रहा है ताकि स्टेट से पैसा उनको अलॉटमेंट हो जाए और समय पे जो है हमें पैसे उपलब्ध हो जाएं, और ताकि बकाया जो बिजली बिल के तहत जो है उसका पैसा का भुगतान किया जा सके। कि बिल इतना बड़ा बिल अमाउंट बकाया रहने से परेशानी क्या होती है डिपार्टमेंट को? परेशानी तो होती है, हमें जो है पैसे के मतलब रेवेन्यू की तो रिक्वायरमेंट है ही, और समय पे नहीं मिलने से जो है उसका जो गैप चल रहे हैं, जो डीवीसी को फंडिंग करना है वो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर ये समय पे भुगतान हो जाता है तो ये जो प्रॉब्लम्स जो अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं ये सब इसमें थोड़ा सा कमी आएगी। चाईबासा के उड़िया स्कूल में ओपन जिम बनाए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जिला प्रशासन की पहल पर टाटा कंपनी द्वारा विद्यालय की जमीन पर ओपन जिम का निर्माण किया जा रहा है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने इस निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई है। चाईबासा शहर के गांधी टोला मोहल्ले में आजादी से पहले 1939 में उड़िया स्कूल की स्थापना की गई थी। स्कूल के भवन के पीछे मैदान है। इस मैदान में जिला प्रशासन की पहल पर टाटा स्टील द्वारा ओपन जिम का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी का कहना है कि स्कूल और मैदान को ठीक करने के लिए कई बार पदाधिकारियों को कहा गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस कार्य के लिए प्रशासन और सरकार के पास पैसा नहीं है। एक षड्यंत्र के तहत स्कूल को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। उड़िया भाषा भाषी लोगों के लिए यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त और उपायुक्त दोनों से बात करेंगे। 1939 देश की आज़ादी के आगे यहाँ उड़िया समाज ने एक उड़िया स्कूल का स्थापित किया था। खासकर कोल्हान जो क्षेत्र है, यहाँ सभी भाषा भाषी के लोग, सभी जाति के लोग, सभी संप्रदाय के लोग ये उड़िया भाषा से परिचित है। आज भी 1932 के खतियान को देखा जाए तो सब खतियान उड़िया भाषा में ही लिखा हुआ है, परंतु दुख की बात है इसकी बाउंड्री वॉल के लिए कई बार सरकार को भी, यहाँ के जिला के पदाधिकारी को, शिक्षा के विभाग के पदाधिकारी को कहा गया कि स्कूल को सेफ्टी करने के लिए चारदीवारी किया जाए। उस टाइम चारदीवारी कराने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, परंतु आज स्कूल के कैंपस के जमीन को लेकर के एक पार्क बनाने का जो ये धंधा चला के रखा है, लगता है कि एक षड्यंत्र के संत पदाधिकारियों का ये उड़िया भाषा के स्कूल को बंद करने के उद्देश्य से काम हो रहा है। इस तरह के अगर उड़िया भाषा भाषी लोगों के साथ अपमान करेंगे और उनका भाषा को छीनने का कोशिश करेंगे तो ये उड़िया समाज यहाँ पर जबरदस्त आंदोलन करेगा। और इसलिए कि ये कोल्हान में उड़िया समाज का प्रभुत्व है, इसलिए समाज के लोग अभी भी हैं। इसलिए मैं प्रशासन कहता हूँ कि स्कूल के वातावरण को गंदा नहीं करिए, और अगर मन में षड्यंत्र स्कूल के भाषा को बंद करने, भाषा को लोप कर देने का या स्कूल को बंद कर देने का, तो इसलिए विशेष आग्रह होगा कि यहाँ जिमना का पार्क का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको बंद करा जाए। इसलिए इस पर मैंने अभी कमिश्नर को भी मिलकर एक चिट्ठी दे रहे हैं और उपायुक्त को भी दे रहे हैं, स्कूल परमिशंस में ये कैंपस में आपको क्लब नहीं चले,
ना पार्क चले ना जिम्नाजिम चले। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि उड़िया विद्यालय प्रबंधन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने की बाद ही वहां ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य को लेकर विवाद होने के सवाल पर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि इसके बारे में उन्हें जानकारी मिली है, उड़िया स्कूल प्रबंधन से बात करके इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इनिशियली हम लोग के पास बात आई थी, उड़िया स्कूल का जो भी कमेटी है उनसे बात करके हम लोगों ने विचार विमर्श करके उनके अप्रूवल के बाद ये स्टार्ट किया। हम लोग फर्दर उसको चेक करवा लेते हैं कि क्या इशू। विद्या निकेतन बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी राजस्थान में कक्षा 5 से 9 और कक्षा 11 में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन होना है। विद्यालय के शिक्षक उमेश प्रसाद ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि चयबासा में प्रवेश परीक्षा का आयोजन 10 से 12 मार्च के बीच होटल सैफ्रन सूट में और उड़ीसा के जोड़ा में प्रवेश परीक्षा का आयोजन 14 मार्च को लाओ पैलेस में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय की स्थापना शिक्षाविद और उद्योगपति घनश्याम दास बिरला द्वारा 1944 में की गई थी। हर साल विज्ञान संकाय में अधिकतम अंक लाने वाले 15 विद्यार्थियों का बिरला इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिलानी में सीधा प्रवेश लिया जाता है। 10 मार्च को विद्यालय के शिक्षक उमेश प्रसाद और सीमांचल नायक चाबासा में अभिभावकों के साथ बैठक भी करेंगे। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारे नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमिता मंत्रालय के एमएसएमई विकास संस्थान रांची की ओर से गुरुवार को आईटीआई चाईबासा में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले के स्थानीय उद्यमियों को भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में 150 से अधिक प्रतिभागी शामिल थे। कार्यक्रम में एमएसएमई विकास संस्थान के निदेशक संदीप सिंह ने योजना के बारे में प्रकाश डाला। इस मौके पर डीआईसी के जीएमएसएम बैठा, एलडीएम लक्ष्मी नारायण लागुरी, आईटीआई के प्राचार्य देवेंद्र प्रसाद ने अपने अपने विचार प्रतिभागियों के समक्ष रखा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को इसका लाभ लेने के तरीके के बारे में जिला कृषि पदाधिकारी कालीपद महतो ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कृषि पदाधिकारी ने कहा कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का लाभ वैसे किसान प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास सिंचाई का स्रोत है। इसके लिए किसान आवेदन करने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी और बीटीएम से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद एजेंसी के माध्यम से ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम को स्थापित किया जाता है। इसके लिए 90% अनुदान कृषकों को हस्तांतरित किया जाता है और 10% अनुदान किसान से लिया जाता है। फूलों झानो आशीर्वाद अभियान के तहत जागरूकता रथ को समाहरण नाले परिसर से उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ को रवाना करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना फूलों झानो आशीर्वाद अभियान को
जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हणिया दारू से ग्रामीण परिवारों में और समाज में हो रहे दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही इस कार्य से जुड़ी महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका के विभिन्न साधनों से जुड़ने के बारे में जानकारी दी जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने 1 मार्च से 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांग पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया है। शिविर का आयोजन सदर अस्पताल परिसर में स्थित नेत्र विभाग में सुबह 10 बजे से संध्या 4 बजे तक किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।